हाँ, मैं यहाँ आया हूँ लखनऊ अलीगंज आईटीआई कॉलेज। ये क्या कहते हैं, श्रमिकों के लिए इजराइल से भर्ती निकली है। ये हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और क्या कहते हैं, एक प्राइवेट कंपनी है, उसकी साझेदारी में ये जो भर्ती निकली है। और उत्तर प्रदेश से 10,000 श्रमिक भेजे जा रहे हैं, तो क्या उनका कुछ परीक्षण हो रहा है यहाँ पर, टेस्ट। क्या कुछ मतलब लोग उत्सुक हैं जाने के लिए और क्या कहते हैं, और सारा ठीक ही है। लोग आ रहे हैं, नए नए मतलब अलग अलग जिलों से आ रहे हैं और राजस्थान से भी आ रहे हैं यहाँ पे लोग, और क्या कहते हैं, हरियाणा से भी लोग आप आ कहाँ रहे हैं। से आए? मैं मथुरा से। मथुरा से आए? हाँ किस तरह का अनुभव रहा लोगों ने, किस तरह से आपको यहाँ समझाया, क्या इंटरव्यू हुआ या क्या कुछ आपको तनख्वाह के बारे में बताया गया? इंटरव्यू एक नॉर्मल है, और काम आता हो तो उसके लिए मतलब यहाँ पे मतलब दरवाजे खुले हुए हैं बाहर। और क्या कहते हैं, सैलरी के लिए इन लोगों ने, वो तो गवर्नमेंट ने पहले ही बता दिया है। और हमने जहाँ मथुरा श्रमिक ऑफिस में ये विभाग में ये अपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे, तभी बता दिया गया था कि 1,39,000 रुपये हमारी सैलरी होगी, और क्या कहते हैं, 15,000 यूपी गवर्नमेंट देगी हमें, और बोनस फंड के तौर पे। कितना कैसा लगना कमाई होगी आपकी अब? बहुत खुश हूँ, और क्या कहते हैं, और मतलब मेरे घर पे भी सब लोग खुश हैं। और क्या कहते हैं, मैं काफी दिनों से मेहनत कर रहा था और मैं यहाँ पे सफल नहीं हो पा रहा था, और मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हम लोग श्रम विभाग से रजिस्ट्रेशन करवाए थे। भारत सरकार की एक योजना है, चाहे जो भी मतलब इजराइल से मांगा गया है कि आप 1,00,000 श्रमिक दीजिए, जिसमें उत्तर प्रदेश के नाम पे 10,000 श्रमिकों की मांग है। तो उसमें हम लोग अपने जिले पर रजिस्ट्रेशन करवाए थे। रजिस्ट्रेशन के लिए अपने श्रम विभाग में जाएंगे, वहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसके 10 दिन बाद कॉल आ रही है आपके यहाँ कि फलाना तारीख को आपका जो है इंटरव्यू लखनऊ आईटीआई कॉलेज में है। फिर वहाँ से हम लोग मतलब सरकारी व्यवस्था से यहाँ तक आ रहे हैं, उसके बाद इंटरव्यू हो रहा है, उसके बाद अब देखिए फोन आएगा, आप पास हैं कि फेल हैं, वो तो आपके काम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या लगा, किस तरह का, अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो क्या रहेगा, किस तरह? जैसे कुल मिला के यदि आप अपने काम से स्वयं संतुष्ट हैं तो पास है, मान लीजिए आप संतुष्ट नहीं है तो पास नहीं है। बाकी सैलरी वगैरह को लेकर के क्या बताएं? सैलरी देखिए, जो भीड़ हो रही है यहाँ पे, सैलरी के लिए ही भीड़ हो रही है। लोग तो जानते हैं वहाँ युद्ध चल रहा है, उसके बावजूद सैलरी के लिए ही लोग जा रहे हैं। हाँ, आज के डेट में सब चाहता है कि मैं अच्छा कमा लूँ। 1,37,250 रुपया तनख्वाह है। बाकी सरकार ने कितना सहयोग करा, कितना आपको? अभी तो तब जो हम लोग आए हैं यहाँ, सब सरकारी सहयोग ही रहा है। हाँ, और माननीय अनिल राजभर जी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनकी उनका मंत्रालय है और सब बहुत बढ़िया से काम चल रहा है, सभी अफिसर बढ़िया से काम कर रहे हैं। मतलब जितना रजिस्ट्रेशन हो रहा है सभी के यहाँ कॉल जा रहा है। जी देखिए, अनिल राजभर मंत्री जी के निर्देशानुसार जो उनका बयान आया था उसको देख के हम लोगों ने जाके श्रम विभाग में पता किया, तो पता लगा कि इसराइल के लिए कुछ वैकेंसियां चल रही हैं 2-4 पोस्टों पे। तो हम लोगों ने आवेदन किया, जो हम लोगों का काम था हम लोगों ने उसमें आवेदन किया, तो बहुत ही सरकार के जो कार्यकर्ते कर्मचारी हैं बहुत ही निष्ठा भाव से काम किए, बार बार फोन किए कि आपको ये करना है ये करना है, सब कुछ बताएं डिटेल से। और इंटरव्यू के लिए उन्होंने लोगों को बताया, आज हम लोगों का बहुत सफल इंटरव्यू भी हुआ, टेस्टिंग भी बहुत बढ़िया हुई, लेकिन जो फाइनल रिपोर्ट है फोन पे बता देंगे सर। किस काम के लिए आपने आवेदन किया था, क्या तनख्वाह? देखिए, हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में आए थे, कंस्ट्रक्शन लाइन में जो सैलरी बता रहे हैं 1,37,000 लमसम में, और कितनी 37,000 पर मंथ? 37,000 जी जी, या खाली 37,000? नहीं नहीं, 1,37,000 जी, 1,37,000 ही। अच्छा रहा जी, कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि जिससे किसी को परेशानी हो, बहुत ही कर्मचारी बहुत प्रेम भाव से बात कर रहे हैं सब कुछ जी, बहुत ही जैसे सराहनीय काम मंत्री जी की देखरेख में, बहुत ही कितना योगदान देते हैं? देखिए जी, बहुत बढ़िया योगदान है, क्योंकि हम लोग अगर बाहर से जो अप्लाई कर रहे हैं डायनामिक्स जैसे दूसरी ऑफिस से, तो वहाँ से 2,00,000-3,00,000 रुपये फीस ले रहे हैं सर। यहाँ पे सरकार की देन है कि हम लोग फ्री में आके आवेदन कर रहे हैं, फ्री में आके जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं,